नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। एलपीयू में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर महासम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के विश्वव्यापी आयोजनों की प्रशंसा। अमृतसर महिला बाईपास पर पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने लुटेरे को जख्मी हालत में धर दबोचा। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पर मादक पदार्थ नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 3 नशा तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर 2 वर्षीय विश्वव्यापी विशेष आयोजनों की श्रृंखला में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान एवं उद्योगपति सुदर्शन शर्मा की देखरेख में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर पंजाब प्रांतीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। सर्वप्रथम करवाए गए हवन यज्ञ में सभी पदाधिकारियों ने शिरकत कर आहुतियां डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सहित कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन के दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान गुरुकुल पंजाब प्रांत की शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा को उजागर किया और दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामंत्री प्रेम भारद्वाज ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा की जा रही विश्वव्यापी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं मंच संचालक की भूमिका सूक्ष्म अनु आर्य ने बखूबी निभाई। इस अवसर पर विश्व भर के इंटरनेशनल आर्य प्रतिनिधि के प्रधान सुरेश आर्य, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, उड़ीसा आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री दुष्यंत सवाई, एलपीयू से रमेश मित्तल और नरेश मित्तल, उद्योगपति नरेश शर्मा, गुरुकुल करतारपुर के प्रधान ध्रुव मित्तल सहित आर्य समाज भगत सिंह कॉलोनी जालंधर के प्रधान रंजीत आर्य, महामंत्री हर्ष लखनपाल, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र उपाध्याय, कुबेर आर्य, सुभाष आर्य, प्रेम भारद्वाज, सुधीर शर्मा, अशोक परूथी, ऋषिराज शर्मा सहित विश्वव्यापी आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और जतिन राजपूत की रिपोर्ट। प्रिय बालक और बालिकाओं,
सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सभी उस महामानव जिसका इस धराधाम पर आने से इस वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति का पूरे विश्व पटल पर एक अपनी पहचान बनाई, उस महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण करने के लिए लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के पवित्र प्रांगण में सभी संबद्ध हुए। महान समाज सुधारक, अनेक क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब के गुलशन धरती पर आयोजित आर्य मास मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, आपका हम सारे पंजाब की आर्य समाज की ओर से आज यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। महान जीर्णोद्धारक और नवजागरण के पुरोधा महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती और आश्रमा की स्थापना के 150 वर्ष के अवसर पर पंजाब आयुर्वेदी सभा द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन के भव्य मंच पर उपस्थित पंजाब के बहुत ही ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी और उनके कैबिनेट के मंत्री श्री मोहित भगत जी मंच पर विराजमान, सभी विद्वत्गण, पंजाब आयुर्वेदिक सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस विशाल सभागार में उपस्थित काफी दूर दूर से आए हुए आर्य भक्त पुरुषों, सुंदरी मातृशक्ति और प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा स्वागत। नमस्ते। मैं सर्वप्रथम पंजाब की इस पावन भूमि में जन्मे उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त, दादा राजभर राय, सरदार भगत सिंह, पंडित रेखराम आर्य, जिन्होंने आर्य समाज की क्रांति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मैं पंजाब आयुर्वेदिक सभा को आयुर्वेदिक सभा का प्रधान होने के नाते बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने आज इस विशाल आर्य सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन निश्चित रूप से पूरे भारत को प्रेरणा देगा और खासतौर से पंजाब में जो मोमेंटम इस सम्मेलन से आया है उससे पंजाब के भी सभी राज्यों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और इस सफलता के तूफान को टूटेगा। इस पवित्र दिवस पर जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती मना रहे हैं, आज जलंधर में इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, अपनी श्रद्धा लेके आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आर्य समाज के जितने भी गुणी ज्ञानी विद्वान लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम कहता हूँ पंजाब की धरती पर। और सर्वदेश सभा जो है उसके प्रधान सुरेश चंद्र जी, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुदर्शन शर्मा जी,
हम मेरी कैबिनेट के साथी और जलंधर वेस्ट से अभी अभी चुनाव जीतकर मंत्री बने श्री महेंद्र भट्ट जी इस संस्था के चेयरमैन श्री रमेश मित्तल जी श्री नरेश मित्तल जी श्री प्रेम भारद्वाज जी श्री विनय जो कि दिल्ली के महामंत्री हैं असल में इन्होंने ही मुझे एक फंक्शन में मैं गया था दिल्ली में कुछ दिन पहले तो वहाँ मुझे मिले और इन्होंने कहा कि हमने आपको वहाँ बुलाना है। मैंने कहा जी आप इसके लिए चाहे मेरे को जो सत्ता पत्र होता है इन्विटेशन कार्ड होता है वो मत देना आपने बोल दिया मैं आ जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इलेक्शन चल रहे हैं मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है लेकिन जिंदगी में सिर्फ इलेक्शन नहीं होता गुरुओं पीरों की महर्षियों की क्रांतिकारियों की जो भूमि है वहां पर अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए इलेक्शन की साथी हो जाती है आ जाती है साथ। तो श्री ललित मोहन जी सबका मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं और साथ साथ में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आपने इस गुणी ज्ञानी लोगों के बीच में मुझे बुलाया और सब लोग जितने भी चल के आए हैं पंजाब के कोने कोने से एक एक कदम चला हुआ आपका हमारे सरमाते पर सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। अमृतसर महिला बाईपास के नजदीक लूटपाट के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 4 राउंड फायर किए गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जवाबी फायरिंग में लूट के आरोपी को गोली लग गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसके बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भी घटना का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने लूटपाट के आरोप में झबाल निवासी विशाल को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पहले भी लूट के 2 मामले दर्ज है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने लूट के लिए महिला बाईपास के पास सड़क किनारे एक पिस्तौल छिपा रखी थी। इसी आधार पर पुलिस विशाल को गत साई पिस्टल बरामद करने के लिए दी गई। विशाल ने बीमारी का बहाना बनाया फिर छुपी हुई पिस्तौल निकाली और पुलिस पर गोली चला दी। तो वहीं पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपना बचाव किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली विशाल को भी लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया व FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पता है स्ट्रीट क्राइम ते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ते खिलाफ बड़ी बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है साढ़े 5 साहब दे थोड़ा कैमरा पिक्चर उसे संबंध च इत्थे कैंट दे विच 7 तरीक नु एक स्नैचिंग हुई सी 3 बंदियां वालों कीती गई सी और मेजर आ रहे मेजर की कर एक जेड़ा गुरप्रीत एलियस गोपी सी कसेल दा सराय मानत खान थाना डिस्ट्रिक्ट तरनतारन ओ अरेस्ट कर लिया सी PCR पार्टी ने चेज करके 2 बंदे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਡਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੇਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ASI ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ 4 ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੀ
और स्नैचिंग थैफ्ट के मेन परचे है, और जो विशाल है ये खिलाफ़ दो परचे हैं। ये दोनों तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के ने, और जोड़े इन्हों का जो पुराना रिकॉर्ड जिन्ना क अभी पता लग्या अभी देखिए कि इन्होंने जो होर साथी ने मुकदमा मार उन्होंने खिलाफ भी 6-6, 7-7 मुकदमे पहले है, पर इस केस चो नाल नहीं सके। तो सर किन्ने के छात्र ने जिस तरीके नाल पुलिस ते फायर किया उन्होंने, किन्ने के छात्र होंगे? देखो छात्र तो है ही है जो बंदे योजे काम करते हैं, और बट पुलिस मुस्तैद है, और मैं सारी टीम को मुबारकबाद भी दिना एंड इन्होंने सूटेबली रिवॉर्ड भी किया। ये तकरीबन 6 बजे की गोलियां चलिया जी अज इतने जंग के दौरान सीमा पार ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 नशा तस्करों का पर्दाफाश किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों के संपर्क में थे और विभिन्न सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से उनसे संपर्क कर ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से ड्रग की खेप मंगवाते थे। पकड़े गए नशा तस्करों के पास से 2 किलो हेरोइन सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पकड़े गए नशा तस्करों को माननीय अदालत के समक्ष पेश कर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। मानयोग सीएम साहब पंजाब दे जिहड़ी नशा विरोधी इंस्ट्रक्शंस ने उहदे तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर नूं बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है। साडे सीआईए 1 दी टीम जिहड़े डीसीपी मंडेर साहब की अगवाई दे विच नाल कुलदीप जी साडे नवजोत एडीसीपी ते अमोलक इंस्पैक्टर साहब ते उहनां दी जिहड़ी टीम है इन्होंने 2-3 जिहड़े नशा तस्कर उन्हां नूं गिरफ्तार किया है, और 2 किलो हीरोइन बरामद की है, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। ये सारा नैटवर्क पाकिस्तान के थ्रू पुशिंग हो रही है नारकोटिक, और बॉर्डर एरिए दे थ्रू अगे सप्लाई हो रही है। इन्हां दे नाम असी तां नहीं तुहाडे नाल शेयर कर रहे कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट ये काफ़ी होर खुलासे होने की उम्मीद है सानू, क्योंकि नैटवर्क काफ़ी वड्डा हैगा ते इन्हां दे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस जिहड़े आ उन्हां नूं डेवलप कीता जा रहा है। जलंधर पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे किरायेदारों पर शिकंजा कसा। जलंधर पुलिस ने सीपी जलंधर के कार्यालय द्वारा पारित आदेशों का पालन ना करने और बिना सत्यापन के अवैध किरायेदारों को घर देने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि शहर में बेखौफ रह रहे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई ज़रूरी है, जो अक्सर शहर में या कभी कभी मकान मालिकों के साथ अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, और किसी रिकॉर्ड के अभाव में उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने शहर के वासियों से आग्रह किया और उनसे सहयोग की मांग की कि वे इन असामाजिक तत्वों से अपनी सुरक्षा के लिए सांझ केंद्रों के माध्यम से अपने किराएदारों का सत्यापन करवाएं। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कमिश्नर पुलिस जलंधर दीयां हदायतां मुताबक जिहड़े आ कार्रवाई करदे होए कल वैस्ट सब डिवीजन दे विच 4 उन्हां मालकां दे खिलाफ परचे दर्ज कीते गए जिन्हां ने बिना सूचना पुलिस नूं दित्ते होए वेरीफिकेशन कराउण तों बिना जिहड़े किराएदार रखे होए सी। इहदे विच 4 परचे दर्ज होए आ 223 BNS दे विच 188 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਰੂਫ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ?
ਇਹ ਪਰਚੇ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ 5 ਨੰਬਰ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਇਲੀਟ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਸਮਾਨ ਮੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਛੋੜ ਕਰ ਆਪਣੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਖੇਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੋ ਵਹੀਂ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨ ਖੇਲੋਂ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਵਹੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਮੇਲੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਐਥਲੀਟ ਯੋਗਾ ਔਰ ਗਤਕਾ ਕੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਕੇ ਸਭੀ ਖਿਡਾਰੀਓਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਕੀ ਧੁਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਇਲੀਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਂ 27ਵੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਈ ਅਨੇ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਐਸ ਵਿਰਕ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਸਰਤ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਯੋਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲੀਡ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਦਾ 27th ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਸ ਵਿਰਕ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਇਸ ਆਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ना उच्चा कर, यह साडा आसा है। ये ही असी धनवादी हैं सिंह साहब जी का, ये पटना साहब तो आए, साढ़े बच्चों ने आशीर्वाद दिता। ये जिहड़ा आशीर्वाद है ये इन्हां दी संजीवनी बूटी का काम करेगा और बच्चे जिहड़ियां बहुत मला मारनगे। पंजाबी फिल्म अपने घर बेगानी 15 नवंबर को रिलीज होनी जा रही है। इसी संबंध में फिल्म की स्टार कास्ट अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए जुटी हुई है। इसी संदर्भ में स्टार कास्ट जलंधर पहुंचे और जलंधर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेका। मंदिर परिसर स्थित माँ के दरबार में पहुंचे कलाकार रोशन प्रिंस, प्रीत ओछला, चाइल्ड आर्टिस्ट अरमान ओछला, डायरेक्टर बलराज सियाल, क्रिएटिव डायरेक्टर दविंदर विर्क, प्रोड्यूसर्स आकाशदीप और गगनदीप ने महामाई के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी फिल्म की कामयाबी की प्रार्थना की। सबसे पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने स्टार कास्ट को माँ की चुनरी पहनाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया और फिल्म की कामयाबी की शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सारा त्रिपुर मल निवाई का बहुत सच है दरबार की जय जय माता दी। सारे बहुत ही वधिया अज दिन चढ़िया क्योंकि दो चीज़ा हो गई, माता रानी के दर्शन हो गए तो दूजी साड़ी फिल्म की प्रमोशन हो गई। तो माता रानी के आशीर्वाद के नाल साड़ी फिल्म आ रही है 15 नवंबर को, जिसका नाम है अपने घर बेगाने। सो अज आशीर्वाद लेने से माता रानी को नमन करना है कि साढ़े पर कृपा करो तो साड़ी फिल्म चढ़ती कला के रखो, तो बहुत कृपा हुई, बहुत सोहने दर्शन। कदों लॉन्च कदों हो रही? 15 नवंबर में फिल्म आ रही है जी। और ये खास गल ये है कि जिमें आप सारे परिवारक फिल्मों पसंद करते हैं तो एक इस तरह की एक परिवारक फिल्म हैगी है जी, रिश्तों के उत्ते आधारित फिल्म है। सो मैंने सारी गुजारिश है सारे जोड़े भी पंजाबी फिल्मों संगीत म्यूजिक लिरिक्स जोड़े गीतकारी पसंद करते हैं कि तुम आओ, एक चंकी पाएदार फिल्म जी देखने को मिलेगी जिसे गाना भी कमाल है, लिरिक्स भी कमाल देने और कहानी का भी कमाल। थैंक यू, सारे जरूर देखना अपने घर देखने 15 नवंबर। डिप्स स्कूल अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर का वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम एवं उत्सव के साथ केएमवी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। तो वहीं छात्रों ने इस समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत धुन के साथ हुआ जिस स्कूल के बैंड ने प्रस्तुत किया। इस दौरान विक्टर फॉर्चून के डायरेक्टर अश्विनी कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्स चेन के मैनेजिंग डायरेक्टर तरविंदर सिंह, चेयरपर्सन जसविंदर कौर, वाइस चेयरपर्सन प्रीतिंदर कौर, सीईओ रमनीक सिंह, सीईओ जशन सिंह और अन्य गणमान्य अतिथियों का सभागार में भव्य स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत हुई। तो वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी मेहता ने अतिथियों और डिप्स चेन के सभी प्रिंसिपल्स का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि वार्षिक उत्सव का उद्देश्य छात्रों को अपनी प्रतिभा, आत्माभिव्यक्ति और दायित्व की भावना को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज सरस्वती वंदना के साथ हुआ। नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में मनमोहक प्रस्तुतियां दी जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और विभिन्न देशों की संस्कृति का प्रदर्शन शामिल था जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
मारुति सुजुकी ने अमृतसर में अपने टू वैल्यू प्रोग्राम के तहत सेकंड हैंड गाड़ियों का मेला लगाया। ये विशेष मेला केवल दो दिनों के लिए आयोजित हुआ। इस मेले में विभिन्न मॉडल की सेकंड हैंड गाड़ियां एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनकी कीमतें 1.5 लाख रुपयों से लेकर 8-9 लाख रुपये तक है। सभी गाड़ियाँ बेहतरीन कंडीशन में हैं और किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। इस अवसर पर जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इस मेले की एक और प्रमुख विशेषता ये है कि जो ग्राहक यहाँ से कोई भी गाड़ी खरीदेंगे उन्हें कंपनी की ओर से 3 मुफ्त सर्विसेज दी जाएंगी। इससे ग्राहकों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि उनकी संतुष्टि और भरोसा भी बढ़ेगा। मारुति सुजुकी का ये मेला सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है, जहां ग्राहकों को विभिन्न मॉडल्स पर किफ़ायती कीमतों में गाड़ियां उपलब्ध होंगी। जो लोग गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं वे जल्द स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरे को टू वैल्यू वास्ते ब्रूसी कार दी सारी तकरीबन गड्डिया ने, हर मॉडल की गड्डी है, हर रेट की गड्डी है। घट तो घट रेट तो लैके 1.5 लाख तो लैके 8-9 लाख तक गड्डिया जाती है। जी तुम पसंद करनी चाहो तो आके इतने पसंद कर सकते। ये जी सारा ग्राउंड है जी उ लगाई गया कम, ये 9 तरीक तो लैके 10 तरीक तक चलेगा, यानी कि शनिवार तो ऐतवार दो दिन लगातार होएगा, सवेरे 10 बजे तो लैके रात 7 बजे तक चलेगा। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं एज ए सेल्स मैनेजर JC मोटर ट्रू वैल्यू तो। असीं अज दशहरा ग्राउंड में खड़े हाँ जी रंजीत एवेन्यू के, जिथे कि पुरानिया कारा का एक मेला लगा है मारुति के वलों, जिदे विच तुहानू मारुति दियां अते मारुति तो अलावा होर भी ब्रांड दियां कारा मिलनगियां जी, जिन्हां विचों कुछ गड्डियों विच तुहानू वारंटी भी मिलेगी ते सर्विस फ्री भी मिलनगी नाल जी। इहदे विच तुहानू अज साडे विच मारुति तो भी आए ने साडे TSM सर अजय नरवाल जी आए ने ते साडे RM सर उज्जवल जैन साहब इत्थे पहुंचे ने। असीं तुहानू रिक्वेस्ट करदे हां कि तुसीं एक बार साडे इत्थे जरूर विजिट करो। अज तो कल 2 दिन का मेला है जी। सर कस्टमर को इतने फायदा कि जिवें तुसी बाहर तुहानू एक जगह के उपर तुहानू कई ब्रांड दियाँ कई कारा मिल जाएगी जी, जिदे विच तुहानू सौखा आएगा कारा की चॉइस करना। इहदे विच तुहानू डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी सर, सारा काम असीं खुद आप करवा के देवांगे। तो इहदे विच तुहानू सर्विस नाल मिलेगी जिहड़ा तुहाडा पीस ऑफ माइंड रहेगा। जिवें पुरानी कारा के विच तुहानू बाहरों तुसी कदों गड्डी परचेज करते हो कोई मुश्किल हुंदी है तो बाद तुहाडा कोई भी पल्ला नहीं फटदा, इत्थे विच तुहानू वारंटी सर्विस नाल मिलनगी सर। कुछ गड्डियों पर तुहानू असीं वारंटी सर्विस भी नाल देवांगे। मैं मारुति सुजुकी से यहाँ इनका अमृतसर का रिप्रेजेंटेटिव अजय नरवाल बोल रहा हूँ। हमने यहाँ पर 2 दिन का मेला रखा है 9 और 10 तारीख का। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हर वैरायटी की गाड़ी मिलेगी, 1 लाख से, जैसा कि मेरे इन्होंने कलीग्स ने बताया, 1 लाख से लेके 10 लाख तक की गाड़ियाँ आपको, कम से कम 60 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। हर वैरायटी की गाड़ी है, वारंटी मिलेगी आपको, टेंशन फ्री रहोगे, सुकून मिलेगा आपको, गाड़ी की ट्रांसफ़र आपकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी डीलरशिप की रहेगी, हर चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं आपके लिए। तो आप सुकून से यहाँ पे नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आइए, 2 दिन का मेला आप लोगों के लिए है, यहाँ पे पधारिए, आप लोगों को बहुत बहुत मतलब वी आर वेलकमिंग यू। गौशाला पिंजरा पोल टांडा रोड में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गोपूजन एवं गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम करवाए गए हवन यज्ञ में गो भक्तों ने मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां डालकर विश्व मंगल कामना की, जिसके बाद गो भक्तों ने गौ माता को तिलक लगाकर और आरती कर उनकी पूजा की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल वेच ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर गौ माता को तिलक लगाकर व आरती कर विधिवत ढंग से पूजन किया। भक्तों ने गौ माता को विभिन्न पकवानों के भोग लगाकर पारिवारिक सुख की मंगल कामना की संबंधी जानकारी देते हुए गौशाला प्रबंधक कमेटी टांडा रोड के चेयरमैन सुदर्शन शर्मा, प्रधान रविंदर कुमार कक्कड़, उप प्रधान राजकुमार, मैनेजर पंडित रवि प्रकाश, असिस्टेंट मैनेजर एडवोकेट संदीप थापर ने बताया कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है उस पर संतुष्ट होकर गाय माता उसे अत्यंत दुर्लभ वर देती है। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, अजय कुमार लाली, सेवादार रमन शर्मा, हेमंत सरीन सहित कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जैन पैकवेल इंडस्ट्रीज की
और से दो दिवसीय यूनाइटेड जन प्रीमियर लीग का आयोजन एफसी सोंथी क्रिकेट ग्राउंड सूरन उसी में किया गया। इस प्रीमियर लीग का विधिवत उद्घाटन जैन पैकवेल इंडस्ट्रीज की एमडी पल्लवी जैन और भरत जैन परिवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रीमियर लीग में चार टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें लॉस्को इंजीनियरिंग कंपनी, कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लिस्मग इंजीनियरिंग कंपनी, आरएसए ट्रेलर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से शामिल हैं। तो वहीं पहला मैच सोंधी क्रिकेट ग्राउंड पर लॉस्को वॉरियर्स और लिस्मग जॉइंट्स के बीच 10-10 ओवर का खेला गया। इस मैच में लॉस्को वॉरियर्स ने लिस्मग जॉइंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में बेस्ट बॉलर निशान जैन और बेस्ट बैट्समैन गगन जैन रहे। दूसरा मैच आरएस आर्मी और कोमनूर जॉइंट्स के बीच खेला गया, जिसमें आरएस आर्मी ने 18 रनों से जीत हासिल की। तो वहीं बेस्ट बैट्समैन मेहुल जैन और बेस्ट बॉलर अमोल जैन रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय जिनेश्वर देव जी। मायसेल्फ पल्लवी जैन, माय फैमिली लेट लाला अमरचंद जैन, आई एम वाइफ ऑफ लेट श्री मुकेश जैन, जैन पैकवेल इंडस्ट्रीज। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ये सब देखकर। ये वैसे फर्स्ट इनिशिएटिव है एंड माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द टीम्स, कि आगे भी ये सब ऐसे ही चलता रहे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और मेरी जितने भी इसके साथ कंसर्न जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, युवक मंडल, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मेरी उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, सबके लिए बेस्ट विशेज़, सब अच्छा चलता रहे ये। और यूनाइटेड जैन प्रीमियर लीग, आई मीन ये जो क्रिकेट, हाँ, दिस इज़ फ्रॉम यूनाइटेड जैन क्रिकेट क्लब and myself, owner of Jain Packwell Industries, my son Mr. Bharat Jain, and my best wishes for all the connected members of United Jain Cricket Club. Thank you so much. माँ अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद में कार्तिक मास के आमला पूजन महोत्सव के दूसरे दिन भक्तों ने तुलसी और आमला के पौधों के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सीपीएस केजी भंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने भक्तों के लिए लगाए गए लंगर का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी सदस्यों की ओर से श्री विज को सिरोपा पहनाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। मंदिर प्रबंधक कमेटी सदस्यों ने महोत्सव संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि ये महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। महोत्सव के दौरान 12 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा और 15 नवंबर को दीपदान के बाद मेला सम्पन्न होगा। इस अवसर पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली और श्री सिद्ध बाबा सोडल जी की महिला संगीतन मंडली ने कीर्तन कर प्रभु महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति, प्रवीण महाजन, विपन उपल, राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश ज्योति, राकेश बहारी, नरेंद्रपुरी, राजेश नोना, राजेंद्र ज्योति, अश्विनी हांडा, लक्की कपिला, हितेंद्र कपूर, गोपाल कृष्ण सोनी, राकेश वैद, प्रवीण ज्योति, कांता पराशर, शिवाली बहारी और महिला संकीर्तन मंडल की सदस्याएं उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। चट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्ला जानदी।
शीतल बीट जी इस पंडाल में पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्हों का। जलंधर दे नहीं, पंजाब दे नहीं, पूरे इंडिया दे जिहड़े बेस्ट इंडस्ट्रियल ने साढ़े शीतल बाऊ जी और दैनिक सवेरा दे मुख संपादक साढ़े शीतल बीट जी, गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में जालंधर के बस्ती शेख रोड स्थित राजेश्वरी धाम माँ देवी राजपुरानी मंदिर में एक भव्य जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इस आयोजन की शुरुआत भजन गायक सुमित निमानायन पाटी ने गिरीश वंदना को गाकर की, जिसके बाद भजन गायक ने माँ के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को झूमने पर विवश कर दिया। इस विशेष अवसर पर होशियारपुर से सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर ईशांक चब्बेवाल व समाज सेवी गुलशन मदान भी माता के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान कैलाश बब्बर ने डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल को माता की चुनरी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर रामकिशन नानू, विजय दुआ, सुषमेंद्र नैयर, जतिन बब्बर, सतीश बब्बर, राजीव सहदेव, ज्योति बब्बर, सुरेंद्र मनचंदा, कृष्ण अरोड़ा, विजय बेगोवाल और पंडित विष्णु प्रसाद शामिल थे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पवित्र पावन दरबार दे विच अज दास नूं आण दा मौका मिलिया और देवी राजरानी वैष्णो मंदिर जिहड़ा ये साडा बहुत ही पुरातन स्थान है और माता जी दे आशीर्वाद सदका
बहुत वख वख शख्सियतां राजनीतिक धार्मिक सारिया शख्सियतां इत्थे नतमस्तक होण आणियां। सो अज दे इस दिहाड़े ते अष्टमी ते गोपाष्टमी ते मैं अज सारिया नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहुंदा, बहुत बहुत बधाई देना चाहुंदा, और खास तौर पर साडे प्रधान कैलाश बब्बर जी ते समूह कमेटी मैंबर साहबान उन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने बहुत प्यार दिता, आशीर्वाद दिता और बहुत मान सम्मान दिता। उस मान सम्मान के लिए मैं उन्हों का धन्नवाद करदा। और अज पवित्र पावन दरबार के अजे भी उचेचे तौर पर अज असी बेनती लगा आए सी, अर्ज कर आए सी कि मेरा पुत्र डॉक्टर ईशांक कुमार जी वो भी इलैक्शन जो बाय इलैक्शन हो रहा जिमनी चोण हो रही है वो विच खड़ा है, तो महामाई के दरबार अज दुआ की है, तो उम्मीद है कि वह भी बहुत वड्डी कामयाबी जी उन्होंने मिलेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का, बहुत बहुत धन्यवाद जयकारा शेरां वाली का, होर सच दरबार की। सती माता श्री वृंदा देवी मंदिर में चल रहे ऐतिहासिक तुलसी एवं मामला पूजन महोत्सव के दूसरे दिन मामला नवमी के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी और आमला के पौधों के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और माँ वृंदा जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल बीज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर मंदिर कमेटी सदस्यों की ओर से श्री विज को सिरोपा पहनाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि अक्षय नवमी कार्तिक मास में मनाई जाती है। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आमले को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जो भी भक्त इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन व भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने माँ वृंदा और भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान किया। महोत्सव में मंदिर प्रबंधक कमेटी के ट्रस्टी शीतल विज, अजय सिक्का, अश्विनी खोसला पप्पू, प्रधान राम कपूर, सभापति हरिपाल सोंधी, महासचिव राजेंद्र राजा, राकेश गर्ग, सुरेंद्र विज, परीक्षित वधवा मिलाप थापर, महेश कालिया, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष ललित कोहली, वरिष्ठ उप प्रधान गुलशन शर्मा, जीवन शर्मा, ललित मित्तल, शिव कुमार सहदेव, एडवोकेट मनिंदर सचदेवा, मृदुल सौंधी, प्रिंस सौंधी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजो मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तन हरि मंगल ही मंगल जी। आज 2024 तदनुसार 11-10-11 सर्वदेवान कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी, आज अमला नवमी का दिन है। आज का दिन जो अच्छे नवमी के बोला जाता है, इसको कृष्णा नवमी भी बोला जाता है, अमला नवमी भी बोला जाता है। ये पूरे विश्व में मतलब एक ही मंदिर है, ये अमला नवमी का जो स्थान है
सती बिंदा का जो स्थान है, एक ही स्थान है जलंधर में, कोट किशन चंद जलंधर में जो भी भगत लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो अमला का रूप है विष्णु का रूप, तुलसी का रूप है लक्ष्मी का रूप, तो आज के दिन वो जो अच्छे नवमी का दिन जो कुष्मंडा नवमी के दिन यहाँ पर भगवान विष्णु की और तुलसी की जो परिक्रमा करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके घर में धन धान्य समृद्धार्थ विद्याला पुत्रला सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जय करत सेना वाली माँ बोल साझी दरबार की जय। विनोद सोंदी निवासी कोट किशनचंद जलंधर, जेड़ा ये मेला है ये हर साल एक बहुत पुरानी जगह है और जलंधर की उत्पत्ति भी शिवजी की क्रोध के नाल जेड़े उन्होंने क्रोध के नाल भस्म करने की कोशिश की थी इंद्र जो भज गए तो उन्होंने जो क्रोध का जोड़ा असर है वो समुद्र के बीच जाके हुआ तो उत्त जलंधर राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। और जड़ा ये अपना भगवान विष्णु और तुलसी माता ये जो पता लगे क्योंकि जड़ा ये जलंधर राक्षस है वह मरना तदे जो घरवाली का अस्तित्व भंग हों। भगवान विष्णु ने अपना जलंधर राक्षस का रूप धारण किया तो वह अस्तित्व भंग किया। और जो उन्होंने पता लगे कि मेरा घरवाली विष्णु है तो उन्होंने उन्होंने श्राप दिता भी जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो पत्थर जोड़ा वो अच्छे शालीग्राम कहते तुलसी अपने आप में भस्म कर लिया वो भस्म तुलसी की भस्म के तुलसी का बूटा उत्पन्न होया। और जोड़ा आंवला जोड़ा अजक चलता है आंवला तुलसी माता की पूजन होंगी है ये इस करके होंगी है जोड़े आंवले के ना विष्णु भगवान जोड़े वो वास करते हैं और हर साल जोड़े हर भगवान शालीग्राम के रूप के और तुलसी माता की शादी होंगी है और हर साल ये प्रथा चलती आ रही है। और लोग जोड़े हर साल आंवला पूजन नौवीं वाले दिन पूजा जाता और आंवले के वृक्ष थले बह के भोजन करते हैं तो उन्होंने कई तरह दियाँ जी मनता इतने पूर्ण होंगे। तुम लोग जोड़े बहरों मत्था टेकन आते हैं वो घर बना के अपना जिदा कोठी टाइप हो गए उन्होंने कामना जरूर पूर्ण होंगी है। डीपीओ कपूरथला राजीव ढांडा की अगुवाई में आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान जलंधर पहुंचे कैडेट्स ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में पहुंचकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर आईएएस अदिति शर्मा, आईएएस सुरभि श्रीवास्तव, आईसीएएस जतोथ श्रुति, आईआरएस प्रियांगी मेहता, आईपीएस सागर संजय भामरे, आईआरएस पेश बाबू मिश्रा, आईआरएस राहुल हिजाम, आईएएस भानु शर्मा, आईआरएसएस निखिल कुमार सिंह, आईआरएमएस राशि डालिया, आईआरएस किरण साइनपू और आईआरएस सिद्धार्थ सिंह ने महामाई के समक्ष नतमस्तक होकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान समाजसेवी वेद पुष्कर और सेवादार रमन शर्मा ने आए हुए सभी कैडेट्स को विशेष तौर पर माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। तो वहीं कैडेट्स ने बताया कि माँ के दरबार में आकर उन्हें अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है और मानसिक तौर पर तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत सभी कैडेट्स ने फुकल पॉइंट जलंधर से दैनिक सवेरा प्रेस का भी विजिट किया। इस दौरान सभी ने अखबार की प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रक्रिया को बखूबी समझा और प्रिंट मीडिया से जुड़ी अहम जानकारियां ली। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की ओर से गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में दिव्य गोकथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिंगवारी परिवार की तरफ से विशेष तौर पर उपस्थित होकर गोकथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कथावाचक पूज्य श्री चंद्रकांत जी महाराज द्वारा गोकथा कर भक्तों को कृतार्थ किया गया। इस दौरान श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज और शिंगारी परिवार ने विधिवत ढंग से गो पूजन किए। इस अवसर पर राज्य प्रभारी राजेंद्र शिंगारी, जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, सीमा शिंगारी, संजीव शर्मा, ओम प्रकाश डोगरा, अमरजीत सिंह, समिता कपूर भी उपस्थित रहे।
जानंदर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। और 64 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है बोलो गाओ। बड़े भाग्य मानुष तन भावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि। बड़े भाग्य के मनुष्य जीवन मिलता है। अरे मां रची नहीं जाती, मां तो रचती है। वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होती है। माँ ना जन्मती है ना मरती है, माँ सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, सदा नीला गंगा है, सृष्टि की गायत्री है। ये जो माँ है ना बैठी है माता है, ये सृष्टि की गायत्री है। मेरी माँ की याद आने लगी, चाहे मैं सन्यासी हूं प्रचार करता हूं। मैया 96 वर्ष में पूर्ण होके गए। मैं मोगा में था, शरीर शांत होने से 6 दिन पहले फोन आया। क्या फोन आया? चंद्रकांत कभी नहीं पाऊंगा, चंद्र 6 दिन पहले भी बात, चंद्र रोटी खाली। क्या बात, कल्पना करो जरा 6 दिन। और एक दिन बाद फिर वो चारपाई से नहीं उठे, 5 दिन चारपाई तक। हम 5वें दिन पहुंच गए बरेली, दीदी को साथ लेकर के मैं भी घर पहुंच गया। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में पथरी का इलाज करवाने आए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिवार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। जिसका कहना है कि उनके पिता की पथरी का इलाज किया गया, उनके 3 ऑपरेशन किए गए और उनकी जान चली गई, इसलिए इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई की वे मांग करते हैं। संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मजीठा रोड के अस्पताल में इलाज के बाद उक्त मरीज को लुधियाना के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लुधियाना के अस्पताल में हुए इलाज की रिपोर्ट मंगवाकर जांच की जाएगी, तो वहीं पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की उम्र और डायबिटीज, बीपी व अन्य जटिलताओं के कारण मरीज के इलाज में पूरी सावधानी बरती गई व उनके अस्पताल में पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन उक्त मरीज के परिजनों की मदद करते रहे हैं, इसलिए उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। मेरा नाम पिंकी है, मेरे पापा जी का सिर ते पित्ते दा ऑपरेट कराया सी, कोई एडी वड्डी मुश्किल नहीं सीगी। इन्होंने उस चीज नु बहुत इशू बना के दसिया, बहुत इशू बनाया इन्होंने, 3 ऑपरेशन उन्होंने कीते, इन्हां कोलों नहीं सूझ होया। आ देखो इन्होंने मेरे प्यो दा की हाल कीता आ। मेरी मां ने डॉक्टर जेपी नु इत्थे सद्दिया जाए, डॉक्टर जेपी नु इत्थे सद्दो। न्यू लाइफ हॉस्पिटल
जालंधर के किशनपुरा के अधीन नाते पृथ्वी नगर में स्थित श्री
कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें माँ महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर माँ का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस अवसर पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को 6:30 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस करवाए गए हवन यज्ञ में आए हुए यजमानों ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित शर्मा, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कुछ लगता है आपकी उम्र कोई जादू टोना कर रहा, किसको किसको पकड़ते रहो, किसको किसको मना करते रहोगे, किससे लोगे, क्या करोगे? आपका आपका फर्ज क्या बनता है? अपने आप को कैसे बचा के रखना, अपने अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रखनी है, अपने ग्रह कैसे मजबूत रखने हैं, अपने अपनी ऊर्जा कैसे तेज रखनी है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। कौन क्या कर रहा है, कौन जादू टोना कर रहा है, कौन हम पर कुछ कर रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आज आपने एक किसी को उपाय कर दिया, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, वो लोग करते रहेंगे। जिससे आपको थोड़ी समस्याएं होगी, ईर्ष्या होगी, कुछ होएगा, तो करते रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को और वो माँ चंडी की शरण में चले जाने से, माँ काली की शरण में जाने से ऐसी बुरी सभी प्रकार के शक्तियों का विनाश हो जाता है। चंडी कर देने से आपको बुरी एनर्जियों के लिए दुनिया में कोई उपाय करने की और जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़ा जादू टोना हुआ हो, मंत्र प्रयोग हो, कोई भूत प्रेत कोई भी वादा हो, केवल चंडीक में बैठ जाने से समाप्त हो जाता है, ना कि कोई इसके लिए और कोई उपाय किए जाते हैं, है ना? और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। एलपीयू में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर महासम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के विश्वव्यापी आयोजनों की प्रशंसा। अमृतसर महला बाईपास पर पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने लुटेरे को जख्मी हालत में धर दबोचा। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पर मादक पदार्थ नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 3 नशा तस्करों को 2 किलो हेरोइन सहित किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।